नमस्ते, माय सेल्फ फिलिका और आज की प्रैक्टिस में मैं लेकर आई हूँ योगा फॉर ग्लोइंग स्किन। ये बेसिक प्रैक्टिस ऐसी है जो आपके स्किन को नेचुरल तरीके से ग्लोइंग बनाती है। योग एक ऐसी साधना सच में है जिसे आप जब तक करेंगे नहीं तब तक इसके फायदे मिलेंगे नहीं। तो आज से अपने डेली रूटीन में योग को जोड़ना जरूर शुरू करिए। मिनिमम 30-20 मिनट से जरूर इसकी प्रैक्टिस करिए। ग्लोइंग स्किन आज हर किसी को चाहिए, बट योग के थ्रू ये कैसे मिलता है, चलिए आज इस वीडियो को देखकर कंप्लीट करते हैं। पेज पर नए हैं तो प्लीज मुझे लाइक एंड फॉलो जरूर करिएगा। यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं तो योग कृतिका को सब्सक्राइब कर ले एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, द सेम नेम इज योग कृतिका। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे बेसिक आसना जिसे लगातार प्रैक्टिस करके आप अपने स्किन को ग्लोइंग और हेल्दी बना सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के प्रैक्टिस शुरू करती हूँ। योग में आज जो मेरा सबसे पहला आसना है यह है सर्वंग आसना। हालांकि यह आसना उच्च आसनों में माना जाता है, योगा में भी इसे सबसे ज्यादा सर्वोच्च तरीके से माना जाता है। इसे करने में काफी ज्यादा टाइम लगती है, बट रेगुलर प्रैक्टिस होने से आप इसे बहुत ही फ्यू सेकंड में कर सकते हैं। चलिए मैं आपके सामने अभी शेयर कर रही हूँ कि आपको सर्वंग आसना किस तरीके से करना है और सर्वंग आसना योगों का राजा कहलाता है। तभी तो आपकी स्किन ग्लोइंग होगी जब आप सर्वंग आसना को रेगुलर अपने रूटीन में ऐड करेंगे। सर्वंग आसना करने के लिए हम अपनी बॉडी को ऑन स्पाइन लेकर आएंगे, दोनों हाथों को नीचे बहुत ही अच्छे से सपोर्ट कर लेंगे। इनहेल करते हुए आप अपनी पूरी बॉडी को बैलेंस कर लें। पहले आपको अपने नीज को फोल्ड कर लेना है और फिर धीरे से अपनी बॉडी को सेट करते हुए एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। वहां पे आपके लेग बिल्कुल सीधे और बैलेंस होंगे। इस आसन को सर्वंग आसना कहते हैं और ये बहुत ही अच्छा आसन है आपके पूरे शरीर को ग्लो लाने के लिए। पूरे शरीर को देखिए इन्वर्शन किया हुआ है, उल्टी मोड़ी हुई है पूरी शरीर हमारी। और जब हम इस आसन में रहते हैं तो हमारा निरंतर ब्लड फ्लो पूरे शरीर में रेगुलेट होता है। इसको बेंड कर लेंगे और फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। एक बार फिर से इसकी रिपीटेशंस में शेयर कर रही हूँ। जो भी इसे करना चाहते हैं, अपने पूरे लेग को पहले 90 डिग्री पे लेना है। कुछ वार्म अप करने के बाद ही आप सर्वंगासना की प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो बॉडी होगी वो नॉर्मल बेसिक प्रैक्टिस के साथ वार्म अप होगी। इसके बाद हम सर्वंगासना में आएंगे। इनहेल करते हुए फिर हम अपने पूरे शरीर को बैलेंस करेंगे अपने हाथों के ऊपर। पूरे शरीर को ले लीजिए हाथों के ऊपर बैलेंस करते हुए। मिनिमम 20 और 30 सेकंड की आप इस तरीके से सीरीज बनाइए और यहाँ पे बने रहिए। नीज को मोड़ते हुए सांस छोड़ते हुए हम इस आसना से बाहर आ जाएंगे। ये थी सर्वंगासना की प्रैक्टिस जो काफी अच्छी प्रैक्टिस है हेल्दी स्किन एंड ग्लोइंग स्किन के लिए। सर्वंग आसना क्योंकि हमने इन्वर्शन वाली प्रैक्टिस की थी तो उसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट आसना होगा दिस इज द रिलैक्सेशन पोज विद द आसना प्रैक्टिस फॉर ग्लोइंग स्किन। तो अब हम चलेंगे अपने अगले आसना की तरफ जो है विपरीत करनी। विपरीत करनी भी बहुत ही अच्छा आसना होता है, इसे लेग्स ऑफ द वॉल पोज भी कहते हैं। यहाँ पे हमने पूरी लेग को 90 डिग्री पे एक एंगल में रखा हुआ है, दोनों हाथों को जमीन के नीचे मैट के ऊपर। गहरी लंबी सांस लेते हुए अपने आप को पूरे स्थिर कर ले इस जगह पे। पूरे शरीर को स्थिर करते हुए आपको जस्ट सांस लेनी है और छोड़नी है। इनहेल करते हुए हम अपने पैर को अपने फेस की तरफ करें, एक्सहेल करते हुए हम अपने पैर को स्काई की तरफ ले लें। अगेन इनहेल करते हुए हम अपने लेग को अंदर की तरफ ले लें, एक्सहेल करते हुए हम अपने लेग को बाहर की तरफ ले लें। इनहेल करते हुए पैर को अंदर की तरफ लीजिए, एक्सहेल करते हुए इसे बाहर की तरफ लीजिए। इस तरीके से मिनिमम 15-20 सेट के रिपीटेशंस लगाइए और पूरे शरीर पूरे लेग को स्थिर कर लीजिए और अपनी स्किन को ग्लोइंग बना लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अपनी तीसरी प्रैक्टिस की तरफ जो है कंप्लीट रेस्ट पोज। दिस इज योर सवासना पोज। पहला हमने इन्वर्शन का किया, इसके बाद हम एक एक करके अपने शरीर को रिलैक्स कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे ये सीरीज देखेंगे कि सबसे पहले हमने अपने शरीर को एक्टिव किया और फिर धीरे धीरे जो एक्टिवेशन हमारे शरीर में सर्वंगासना को करते हुए हुआ
उसे हमें अपने पूरे शरीर में स्टोर करके फिर रिलैक्स कर लेनी है। तो अब हम थोड़ी देर शवासना में भी रुकेंगे। शवासना में हम अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे, हाथों को बाहर की तरफ खुले छोड़ दीजिए, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। महसूस करिए जो भी एनर्जी अभी आपने ऑब्जर्व की है उसे अपने पूरे शरीर में स्टोर कर लीजिए। जस्ट नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ ज्यादा हेल्प करता है।
क्रिया विद योगासना जो हमारी ग्लोइंग स्किन के लिए थी, आई होप आप इसे रेगुलर प्रैक्टिस करके अपने स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्ते।